हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन मोर न्यूमेरिकल ऑफ आरसीसी डब्ल्यू रिइंफोर्स्ड का केस है। इसको एलएसएम मेथड से सॉल्व करना है। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए उसमें हमने डी डैश अपॉन डी की वैल्यू निकाली एंड उसकी हेल्प से हमने एफएससी की वैल्यू निकाली, लेकिन अब हम एफएससी की वैल्यू ट्रायल एंड एरर मेथड से फाइंड करेंगे। इसके लिए हमें ये वाला स्ट्रेन का जो फॉर्मूला है वो याद रखना है, या तो आप याद रखें या तो जो हमारा फिगर है स्ट्रेन डायग्राम में उससे भी हम उसको निकाल सकते हैं इजिली। आर क्वेश्चन इज फाइंड द एम आर ऑफ एन existing beam of M15 concrete 200 mm wide and 400 mm effective depth reinforced with 4 bars mild steel of 20 mm diameter for tension and 2 bars of 20 mm dia for compression. The cover of compressive reinforcement is 50 mm. तो हमें सारी चीजें दे रखी है, हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। जो भी डाटा दे रखा है उसको हम नोट कर लेंगे एंड जो हमारा क्रॉस सेक्शन है उसको ड्रॉ कर लेंगे एंड क्रॉस सेक्शन के लिए स्ट्रेन डायग्राम एंड स्ट्रेस डायग्राम्स ड्रॉ कर लेंगे। हमें रीइंफोर्समेंट के बारे में दे रखा है तो हम एएसटी एंड एएससी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। नो, अभी तक हम क्या करते थे, एक्चुअल डेप्थ फाइंड करते थे, देन लिमिटिंग डेप्थ फाइंड करते थे, देन कंपेयर करते थे एंड उसके बाद मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करते थे। इस टाइम हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या करते थे अभी तक, एक्चुअल डेप्थ फाइंड करने के लिए सी इंटू टी करते थे, कंप्रेसिव फोर्स इंटू इक्वल टू टेंसाइल फोर्स करते थे। तो जरा टेंसाइल फोर्स निकाल लेते हैं। टेंसाइल फोर्स कितना होता है हमारे, अगर इस फिगर से देखें तो 0.87 FI AST हो जाएगा। AST की वैल्यू हमने निकाल ली तो हम यहाँ से क्या कर सकते, टेंसाइल फोर्स निकाल सकते। अब जो हमारा कंप्रेसिव फोर्स है वो XU की वैल्यू निकालने के लिए कंप्रेसिव फोर्स टेंसाइल फोर्स के इक्वल होना चाहिए। कंप्रेसिव फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, आई थिंक इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे हमने 0.45 की जगह 0.446 रखा है तो सेम ही है, कोई भी अलग नहीं है इसमें। नाउ इसमें सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास दो वेरिएबल्स बचते हैं, XU एंड FSC। अभी तक हम क्या करते थे, FSC की वैल्यू डी डैश अपॉन डी की जो चार्ट है उसकी हेल्प से निकालते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं करेंगे। इस बार हम लेट करेंगे XU 160 mm। अच्छा, 160 ही क्यों माना हमने, हमें यहाँ पे जो D की वैल्यू दे रखी है वो 400 mm दे रखी है। अगर हम लिमिटिंग वैल्यू की बात करें तो सिंस हमें जो FE 250 दे रखा है तो इसके लिए लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है, XU लिमिटिंग वैल्यू 0.53 D, मीन्स 0.5 यानी आधे। जब D की मल्टीप्लाई 0.5 करेंगे तो मतलब 200, ये यहाँ पे 400 तो 200 से कुछ कम आएगी। अब हमें सेक्शन को तो अंडर रिइंफोर्स्ड ही तो रखना है, ओवर रिइंफोर्स्ड तो रख नहीं सकते। अंडर रिइंफोर्स्ड की कंडीशन क्या होती है, जो XU लिमिट होता है हमारा वो हमारा बड़ा होना चाहिए XU से। तो इसीलिए हमें ना जो इसकी वैल्यू लेनी वो 200 या 190 से कम ही लेनी है। तो इसलिए हमने ना इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए अप्रॉक्स पहले 160 मान के देख लेते हैं कि क्या सही है या नहीं सही है। सो XU की वैल्यू हमने 160 मानी। 160 की वैल्यू जो हमारी ये स्ट्रेन वाला फॉर्मूला है इसमें हम जब पुट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आ रही है वो 0.0024 आ रही है। स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग क्या स्ट्रेस होगी, इसकी जो टेबल्स होती है वो सिर्फ FE 415 एंड FE 500 के लिए होती है, FE 250 के लिए नहीं होती। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला ही होता है कि जो हमारा FSC है FE 250 के केस में क्या होता है, 0.87 FY होता है। तो इसकी हेल्प से हम यहाँ पे FY की वैल्यू पुट कर देंगे तो FSC की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, 217.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ रही है। डी डैश अपॉन डी की टेबल में भी हमने देखा था जो FSC की वैल्यू थी वो सेम ही रहती थी, बिकॉज माइल्ड स्टील के केस में क्या होता है, जो स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ होता है वो लीनियर होता है, इसलिए ये इसकी वैल्यू रहेगी। ये फॉर्मूला हमें याद ही रखना है। नाउ जो हमारा कंप्रेसिव फोर्स था उसमें XU जो हमने लेट किया है एंड उसकी हेल्प से जो FSC की वैल्यू हमारी आई है उसको दोनों को पुट करते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारे XU की वैल्यू आ रही है वो 30 52 52 आ रही। तो अगर ये हम अपनी जो टेंसाइल की फोर्स की वैल्यू से देखें तो उससे तो ये ज़्यादा आ रही, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें इक्वल चाहिए। तो इसका मतलब ये चीज़ हम नहीं मान सकते, ये ट्रायल हमारा फेल हो गया। अब दोबारा क्या करना है, हमें वैल्यू कम चाहिए ना, तो हम XU की वैल्यू थोड़ी कम रखेंगे तभी तो ये जो टर्म है हमारा कम आएगा। तो XU की वैल्यू थोड़ी कम लेते हैं, अभी 1 हमने 60 मानी थी, इस बार 135 या 130 लेके चलते हैं, ठीक है। तो उसकी हेल्प से हम अगेन जो इसके वैल्यू निकाल लेंगे, स्ट्रेस की वैल्यू, स्ट्रेन की वैल्यू निकाल लेंगे। नाउ स्ट्रेन की वैल्यू निकालने के बाद देखिए ये 0.2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 0.2 से कमी आ रही है तो ठीक है, यही फार्मूला इसका मतलब लगेगा। तो फिर से अगेन वही आ रही है, फिर इस दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे तो अब हम देख रहे हैं कि अप्रोक्स थोड़ा पास आ रही है वैल्यूज। जो हमारी टेंसाइल फोर्स की वैल्यू थी वो कितनी थी, 2733 and 10, ठीक है ये थी। तो इसके अप्रॉक्स बराबर आ रही है तो इसको हम ले सकते हैं, ठीक है ये वाला जो केस है ये हम ले सकते हैं, तो ये क्वाइट नियर है। तो चाहो तो 135 या 130 ज़्यादा अच्छा रहेगा, अडॉप्ट कर लेते हैं कि जो XU की वैल्यू है वो 130 अडॉप्ट कर लेते हैं। देन इसके लिए हम जो हमारा XU की वैल्यू है वो निकाल लेते हैं, ये दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब मैंने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी, आप कैलकुलेशन देख लीजिएगा।
तो इस तरह से ट्रायल एंड एरर करके हमने क्या कि XU एंड FSC की वैल्यू फाइंड कर ली। अब इसकी वैल्यू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन कॉन्क्रीट में रख देंगे एंड जो हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो फाइंड कर लेंगे। आई फील इस फॉर्मूले में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या है? फोर्स इंटू लीवर आर्म, फोर्स इंटू लीवर आर्म, फोर्स इंटू लीवर आर्म। सो ये हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ गया 94.85 इंटू 10 के पावर 6 न्यूटन mm। अगर हमें डिजाइन मोमेंट निकालना है तो इसको हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी मीन्स 1.5 से मल्टी डिवाइड कर देना होगा। तो कितना आ रहा है? 63.23 इंटू 10 के पावर 6 न्यूटन mm। सो बस इसमें हमें क्या होगा, XU की वैल्यू लेट करनी है एंड FSC की वैल्यू निकाल लेनी है। यहाँ पे सिंस हमें Fe 250 दे रखा था तो उसमें हमें चार्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ी थी, अदरवाइज हम जो टेबल है वो देखेंगे एंड फिर इंटरपोलेशन लगाएंगे एंड देन FSC की वैल्यू फाइंड करेंगे। एंड जब वो FSC एंड XU की वैल्यू जब देखिए टी इक्वल टू सी आ जाए हमारा, ठीक है, टेंसाइल फोर्स इक्वल टू कंप्रेसिव फोर्स आ जाए तो वो जो उस टाइम पे जो हमारी XU की वैल्यू और FSC की वैल्यू होगी वही हम ले लेंगे। उनको हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में पुट करेंगे एंड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।